नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने WhatsApp में टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल किए हुए हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल करते समय आपने जो पिन इंटर किया था वो आप भूल गए हैं तो कैसे आप उसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप उस पिन को फॉरगेट करके अपने WhatsApp को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम ओपन करते हैं अपने WhatsApp को। यहाँ पे WhatsApp को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते हैं। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओके पे। अब यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, हम उस OTP को यहाँ पे हम फिलअप कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें वो पिन डालना होता है जो हम टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल करते समय पिन को क्रिएट किए थे। तो दोस्तों अगर आपको वो पिन याद नहीं है तो कैसे आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फॉरगेट पिन पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सेंड ईमेल पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है कि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल करते समय आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पे एक हम मैसेज सेंड किए हैं, उस ईमेल आईडी को आपको ओपन करना होगा। दोस्तों अगर आपके पास वो ईमेल आईडी नहीं है या फिर आप भूल गए हैं कि हम कौन सा ईमेल आईडी इंटर किए थे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे केस में मेरे को याद है कि मैं कौन सा ईमेल आईडी को इंटर किया था, तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पे ओके पे और चलते हैं हम उस ईमेल आईडी में। यहाँ पे हम अपने जीमेल को ओपन करते हैं और जीमेल को ओपन कर देने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मेल आया है कि नहीं व्हाट्सएप से। तो यहाँ पे देखिए एक व्हाट्सएप से मेल आया हुआ है और इसे हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आप ओपन कीजिएगा इसे क्रोम में। और यहाँ पे लिख रहा है कि कन्फर्म टर्न ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन योर व्हाट्सएप अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कन्फर्म पे। अब यहाँ से आपके WhatsApp के टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पे आपको कट करके और आना होगा अपने WhatsApp में। तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू और इसके बाद आप अलाउ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपने मैसेज को रीस्टोर कर सकते हैं और इस तरह से आपका WhatsApp अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप अपना नेम इंटर कर दीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। तो यहाँ से अब आपकी WhatsApp अकाउंट ओपन हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हुए छोटी सी वीडियो आपका हेल्पफुल होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, WhatsApp फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।